जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार के कर्मचारी और पदाधिकारी को एक साल में कौन कौन सा अवकाश मिलता है। फुल डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी शासकीय कर्मचारी इसे किसी कागज़ पे नोट कर ले। छुट्टी एवं उसके नियम, क्या नियम है। पहला नियम आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्जित अवकाश। देखिए, अर्जित अवकाश को ही ईएल कहा जाता है, अर्न लीव कहा जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 होता है, मगर बिहार सरकार में आप लोग देखिएगा यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन का दय है। यानी 31 दिन का हर एक साल में जो है आपको ईएल मिलेगा। और कब कब मिलेगा, देखिए 1 जनवरी को 16 दिन का तथा 1 जुलाई को यानी 15 दिन दो किस्तों में दय होगा। यानी 1 जनवरी जैसे एक साल का पहली बार आता है, तब आपको 16 छुट्टी आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है 1 जुलाई को 15 छुट्टी ऐड कर दिया जाएगा, और ये तब किया जाएगा जब आपका एक साल पूरा जाएगा तब। ठीक है, आगे देखिए, यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। यानी आप मैक्सिमम जो है आपके खाते में 300 ईएल छुट्टी रह सकती है। 300 से ज़्यादा बढ़ी, जैसे ही बढ़ता है ये संख्या 300, तो वो लैप्स कर जाएगा, यानी वो घट के फिर 300 ही आ जाएगा। इसलिए बीच बीच में आप छुट्टी लेते रहिए, अपना ईएल का प्रयोग करते रहिए, नहीं तो 300 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू उसका 300 ही रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, जमा किया जा सकता है भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत के बाहर 180 दिनों की छुट्टी दय। यानी 1-3 महीने के लिए जो है आप ईएल का लगातार प्रयोग कर सकते हैं, और बाहर जाते हैं तो ये 180 दिन तक हो सकता है। अब हम लोग दूसरा नियम में चलते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चिकित्सा अवकाश। देखिए, ये अवकाश जो है अस्थायी कर्मियों को पूरे सेवा काल में, यानी जितना भी आपका टेन्योर है जॉब का, लगभग आपने 35 साल जॉब किया या 30 साल जॉब किया, जितना भी आपका जॉब पीरियड है उसमें जो है 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर दय होता है। यानी 12 माह का जो है आपको छुट्टी मिलेगी पूरे जीवन भर के पीरियड में, जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपको 12 माह ही छुट्टी देगा चिकित्सा अवकाश, और 6 महीने तक जो है अर्ध वेतन उसका किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, 3 नंबर, निजी कार्य पर अर्ध वेतन अवकाश। अर्ध वेतन मतलब क्या, यदि आपका वेतन 30,000 है तो आपको 15,000 मिल जाएगा, वो अवकाश होता है ये। किस समय इसका लिया जाता है ये देखते हैं, अस्थाई कर्मियों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक यानी एक साल तक अर्ध वेतन पर दय है। ये अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा होते हैं। और देखिएगा, तथा ये अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुराने यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, असाधारण अवकाश। ठीक है, बिना वेतन का यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकर अथवा बिना वेतन का अवकाश जो है अलग से 5 वर्ष तक दय। यानी 5 वर्ष तक जो है बिना वेतन का आप छुट्टी ले सकते हैं, और 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है। यानी 5 साल के भी यदि आगे आपको छुट्टी लेना है बिना वेतन का, तो यदि आपका डिपार्टमेंट अलाउ करता है तो आपको ये छुट्टी जरूर मिलेगी। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर में, विशेष विकलांगता अवकाश। ठीक है, तो ये अवकाश जो है ड्यूटी करते समय, यानी ड्यूटी करते समय ना कि घर पर, घर होने पर कुल 24 माह यानी 2 साल का, 2 साल का निम्न प्रकार से दय है। ठीक है, यदि आपको ड्यूटी करते हुए कोई दुर्घटना हो गया तो आपको 2 साल तक जो है इस टाइप की विकलांगता अवकाश छुट्टी मिल सकती है। प्रथम जो इसका कंडीशन है कि प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जाएगी। ओके, आगे देखिए दोस्तों, 2 नंबर, 119 दिन पूर्ण वेतन पर लेकिन यह अवकाश माना जाएगा, और शेष जो है 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर दय है। यानी समझ सकते हैं कि इसका जो तीनों प्रारूप दिया गया है, कभी आपको फुल सैलरी मिलेगी, कभी आपको जो है फुल सैलरी तो मिलेगी मगर अवकाश माना जाएगा, और जो आपका 14 माह का है वो आपको अर्ध वेतन दिया जाएगा उसमें। आगे देखिए दोस्तों, यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश को अवकाश से घटाया नहीं जाएगा, और यहाँ जो है ये
रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, इसका चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग मेन मेन जो पॉइंट है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, स्टडी लीव, जो स्टडी लीव भी मिलती है, सरकार आपको स्टडी लीव भी देती है, तो इसके बारे में अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे चल के आपको इसका ज़रूरत पड़ सकता है। कि यह अवकाश जो है पूरे सेवा काल में 24 माह का यानी 2 साल का जो है अर्ध वेतन पर देता है। एक बार में लगातार 12 माह तक का छुट्टी ले सकते हैं, यानी 1 साल का छुट्टी आप ले सकते हैं। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या है नोट। यह उन्हीं कर्मचारी को मिलेगा, यानी किन कर्मचारी को ये छुट्टी मिलेगा जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गए, यानी मिनिमम आपको 5 साल जो है आप सेवा किए हों उस डिपार्टमेंट में, तभी आपको ये छुट्टी का फ़ायदा मिल सकता है। तथा यह अवकाश जो है सेवानिवृत्ति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी, यानी 3 वर्ष पहले, यानी आपका 60 साल में आप रिटायर होइएगा तो 57 साल में जब होइएगा तब इसे कोई अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं तो ये अवकाश आपको नहीं मिलने वाला है। आगे दोस्तों देखिए 7 नंबर में राशिकृति अवकाश, यह अध्ययन अवकाश की तरह है। इसमें भारत के 45 दिन तक भारत से बाहर 90 दिनों तक पूरे वेतन पर देय है, लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन तथा जमा अवकाश से में से दुगुनी घटाई जाएगी। ओके, 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये महिलाओं के लिए विशेषकर है, प्रसूति यानी जो महिलाओं के जो प्रसूति होता है उसके लिए अवकाश भी दिया गया है। देखिए यह अवकाश केवल महिलाओं की प्रसूति हेतु 180 दिन यानी 6 मास तक 2 बच्चों तक दें, यानी 2 बच्चों तक ही आपका ये अवकाश मिलेगा। 2 से 3 बच्चे अगर आप चाहते हैं तो तीसरा बच्चा में ये अवकाश आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद देखिए चाइल्ड केयर, यानी छोटा बच्चा है तो उसका केयर के लिए भी आपको छुट्टी मिलेगा। तो ये लीव जो है बच्चों के पालन पोषण हेतु 730 दिनों तक पूरे वेतन पर और 2 बच्चों तक अलग अलग से दे है। यह वेतन जो है 730 दिनों का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र तक ड्यू रहेगी तथा 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार दे है, यानी 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार ही इसको ले सकते हैं, उसके बाद आपको अगले साल लेना होगा। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेना होगा, यानी मिनिमम आपको जो है 15 दिन का छुट्टी लेना ही होगा इस कंडीशन में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 का 3 नंबर MTP लीव, गर्भ समापन अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पूरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार दय है। नोट यहाँ पर देखिएगा कि गर्भ समापन का मतलब जो है आपका मिस कैरेज हो जाने की कंडीशन में। आगे दोस्तों देखते हैं 10 नंबर को, तो एंटी रेबीज उपचार हेतु अवकाश। देखिए यह यदि किसी कर्मचारी को पालन पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो वो सरकारी चिकित्सक की संतुष्टि पर पूर्ण वेतन पर अवकाश दे, यानी आपको कोई पागल कुत्ता या अन्य कोई भी जानवर जैसे बिल्ली हो गया या जो काटने वाला जानवर हो वो काट लेता है तो उससे यदि आपको इन्फेक्शन या रेबीज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपको एक विशेष अवकाश मिलेगा जिसको कि आप देख पा रहे होंगे एंटी रेबीज उपचार हेतु अवकाश। और ये अवकाश किसी अन्य अवकाश के भांति घटाया नहीं जाएगा, दिन की कोई सीमा तय नहीं है, डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी, यानी डॉक्टर इतना दिन का आपको छुट्टी लिखेगा कि इतना दिन में 1 महीने 2 महीने या 15 दिन में आप ठीक हो जाइएगा, उस कंडीशन में जो है आपको उतना दिन का छुट्टी आपके विभाग की ओर से मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आकस्मिक अवकाश, यानी आपका जो होता है ये होता है CL, ठीक है, कैजुअल लीव जिसे कहते हैं, आप जिसके बारे में जानते होंगे। ये अवकाश जो है प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 14 दिन दे है, यानी 14 दिन जो है आप CL ले सकते हैं तथा 2-3 दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकेगा। और ये एक बार में अधिकतम जो है 10 दिन की छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी, 10 दिन तक आप मैक्सिमम जो है CL ले सकते हैं। 10 दिन से CL का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपका 6 दिन वर्किंग हो गया, मंडे टू सैटरडे वो 6 दिन हुआ, संडे उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आगे कैसे मंडे हो गया और ट्यूसडे हो गया तो ऐसे इसको काउंट किया जाता है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नहीं होगी, हर साल छुट्टी ना लेने पर बची हुई छुट्टी जो है स्वतः लैप्स हो जाएगी। नहीं, यदि आप 1 साल में 14 CL का प्रयोग नहीं करते हैं उस कंडीशन में जो है आपका ये CL अगले साल में ऐड नहीं होने वाला है। उस साल यदि आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब यही, और देखिए यहाँ 12 नंबर में विशेष अवकाश के बारे में हम लोग जानते हैं। ये अवकाश सिर्फ 2 दिन का होता है जो सिर्फ महिलाओं को हर साल जो है पीरियड के लिए दिनों के दय होता है, तो ये केवल महिलाओं के लिए है।
अब बस यही है जो लीव का, मगर आप तो देख लिए कितना लीव हमें मिलता है, मगर जो आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, यदि आपका जो विभाग जो है बहुत व्यस्त विभाग, जैसे पंचायती राज का डिपार्टमेंट हो गया, राजस्व कर्मचारी का डिपार्टमेंट हो गया, भूमि सुधार का डिपार्टमेंट हो गया, आपका जो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ आपको छुट्टी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। आपके जो सीनियर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि छुट्टी हमारा अधिकार नहीं होता है, जो ईएल होता है वो आपका अधिकार नहीं होता, वो आपके जो हायर अथॉरिटी है उनके सेंशन के बाद ही वो आपका, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ये जो छुट्टी का जो आपने उदाहरण देखा, तो ये सब छुट्टी तो छोड़िए, आपको यदि ईएल भी मिल जाता है या सीएल भी पूरा मिल जाता है 1 साल में, तो वो छुट्टी काफ़ी होगी आपके लिए, क्योंकि आपका तो होम स्टेट में ही आपको नौकरी लगने वाली है बिहार सरकार में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, 2-4 दिन का छुट्टी लीजिए, इंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।